नमस्कार दोस्तों, आज जब पूरी दुनिया की निगाह इसराइल के द्वारा आतंकवादी संगठन हमास से अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए प्रयत्न झुके जा रहे हैं उसके ऊपर है, तो ऐसे में हमारे बॉलीवुड की कुछ सेलेब्स हैं जिन्होंने की एआई से बने हुए चित्र ऑल आईज ऑन राफा को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी या सोशल मीडिया में शेयर किया है। इन मूर्खों ने एक आतंकवादी संगठन हमास और राफा के समर्थन में ये पोस्टें की और उनकी इस पोस्टों को देखकर एक बात तो साफ जाहिर है कि संवेदनहीन है, नरसंहार के समर्थक है, आतंकवाद के समर्थक है। इन बॉलीवुड के सेलेब्स से मैं यही कहना चाहता हूं कि यहां से 4000 किलोमीटर दूर राफा जहां की आतंकवादी संगठन हमास फल फूल रहा है, उनके समर्थन में आपने ये स्टोरी डालने से पहले क्या ये नहीं देखा कि जब इसराइल के बच्चों तक के सिरों में गोलियां मारकर हमास के लोग आतंकवादी हैं वह अत्याचार कर रहे थे, आपने कब यह नहीं देखा जब इसराइल की युवतियों को नंगा करके उनके साथ सामूहिक बलात्कार करके कभी उनको जिंदा दो टुकड़ों में काट दिया जा रहा था तो कभी उनके शरीर को तोड़ मरोड़ कर जीप के पीछे बांधकर पूरे राफा में ये लोग घुमा रहे थे। क्या आपने ये नहीं देखा कि कैसे इसराइल के घरों के अंदर घुसकर इन आतंकियों ने पूरे घर को रक्त रंजित कर दिया था? और अगर नहीं देखा तो इन मूर्खों से, इन मूर्खाओं से जो कि शायद वहां के राष्ट्रपति तक का नाम भी नहीं जानते होंगे जिसके समर्थन में बात कर रहे हैं, इनसे यह कहना चाहता हूं कि आप hamasmexico.com पर जाकर देखो कि 7 अक्टूबर को क्या हुआ था, देखो कि किस तरह वहां के छोटे छोटे बच्चों को जिंदा माइक्रोवेव ओवन के अंदर रखकर इन आतंकियों ने जला दिया था, देखो कि कैसे जब तक वो बच्चा माइक्रो ओवन में जल रहा था तब तक उसकी माँ के साथ ये लोग मिशन से बलात्कार कर रहे थे और उसके बाद उस बच्चे के साथ उसकी माँ को मार दिया गया, देखो कि कैसे हमास का एक आतंकी अपने फोन से दूर कहीं बैठे अपने पिता को फोन करता है और कहता है कि मैंने 10 इजरायली सैनिकों को मार दिया है, आपको मुझ पर गर्व होना चाहिए, देखो कि कैसे वहां पर निशंस नरसंहार इन लोगों ने किया। लेकिन तुमको ये सब दिखाई नहीं देता क्योंकि तुम खान गैंग के टुकड़ों पर पड़ने वाले बॉलीवुड के सेलेब्स हो और तुम्हारी मजबूरी है या जो कुछ भी हो तुम्हें घूम फिर कर उन्हीं के चरण चुंबक काटने हैं। तुम्हें 4000 किलोमीटर दूर राफा में ये सब होता हुआ तो दिख रहा है जबकि इसराइल में जब यह हुआ तब तुम्हें यह नहीं दिखाएगा और आज भी इसराइल केवल और केवल अपने कुछ बंधकों को वहां से छुड़ाने के लिए ये सब कर रहा है, ये तुमको दिखाई नहीं देता है। साथ ही मणिपुर में जो हुआ वो तुमको दिखाई नहीं दिया, उत्तराखंड में अंकिता भंडारी इतना बड़ा हत्याकांड वो तुमको दिखाई नहीं दिया, बहुत सारे ऐसे उदाहरण भारत में ही मौजूद है जहां तुम्हारी आंखें बंद हो जाती है और मुंह सूख जाता है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे सर पर बैठी हुई खान गैंग तुम्हारी रोजी रोटी तक छीन लेगी और तुम जो कुछ पैसों के लिए ऑल आईज ऑन राफा का एआई द्वारा बना हुआ चित्र शेयर कर रहे हो बिना यह जाने कि वो चित्र क्या है, उसे तुम बच्चों के ताबूतों की खेती कहते हो? कहां है राफा में इतना बड़ा रेगिस्तान, कहां है राफा में बर्फीले पहाड़? अरे मूर्खाओं और मूर्खों, न तो राफा में रेगिस्तान है न बड़े बड़े पहाड़ हैं और बर्फ की पहाड़ियों की तो बात ही दूर है, तो तुम ये जो पैसों के पीछे अंधे होकर इस तरह आतंकवाद और नरसंहार को समर्थन दे रहे हो तो तुम्हारी सोच का पता नहीं चलता। तुम वो लोग हो जो चंद पैसों के लिए अपने पिता, अपने पति, अपने बच्चों तक का करियर बेसर खा जाते हो और तुम यहाँ पर आतंकवाद का खुलासा समर्थन करके यह कहना चाहते हो कि तुम्हारे अंदर दया है, सहानुभूति है? तुम्हारे अंदर कोई दया सहानुभूति नहीं, मात्र कुछ पैसों के लिए अपने ईमान तक को बेचने वाले तुम लोग अगर आज हमास आतंकवादी संगठन के विरुद्ध जो कार्रवाई उसके प्रति सहानुभूति जताते हो तो तुम्हारी इसी बात से यह साबित होता है कि तुम निहायत ही गिरी हुई सोच के और नरसंहार के समर्थक हो, आप आतंकवाद के समर्थक हो और आपको आतंकवाद को समर्थन करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं और जिसका कि तुम नाजायज फायदे उठा रहे हो। और साथ ही यह भी सुन लो, ये देश भारत है, इस भारत में तुम्हारे जैसे चंद जो स्लेब्स होते हैं उनके पीछे भारत नहीं चलता है, अगर भारत को देखना है कि भारत कहाँ किसके साथ खड़ा है तो ये वीडियो देख लो और स्वयं निर्धारित कर लो कि हम भारतीय की नज़र में तुम्हारी क्या जगह है।